Welcome to the Future of Audio. Welcome to the Future of Audio. Welcome to the Future of Audio. दोस्तों इनविटेशन तो इम्प्रेसिव था, अब बोट के ये जो प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए ये उतने ही इम्प्रेसिव है या नहीं ये देखना है, वेदर दीज आर फ्यूचर ऑफ ऑडियो देखेंगे। लेकिन एक बात कहूं दोस्तों, इनके बारे में तो बात करूंगा बट लेट मी टेल यू, बोट जो है ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑडियो प्रोडक्ट्स ब्रांड इन इंडिया। अगर आप TWS लोगे, नेक बैंड या फिर नॉर्मल वायर्ड ईयरफोन्स वगैरह लोगे, बोट के जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। और दोस्तों अब इन रॉकर्स 330 एंड 333 के साथ दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट। दोस्तों ये जो नेकबैंड ईयरफोन्स है ना, दे कॉस्ट अराउंड 1500 और लेस। और अगर मैं 330 और 333 के बारे में बात करूं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा केबल का डिफरेंस है एंड बिल्ड क्वालिटी स्लाइटली डिफरेंट है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। चलिए लेट्स ओपन, दोनों भी खोलते हैं, 333 एंड 330, लेट्स सी क्या क्या है। ओके, ओह दे लुक गुड, nice, वो जो कलरफुल टच है आई लाइक इट, इवन द कलर्स आर क्वाइट गुड। तो बॉक्स में सबसे पहले तो नेक बैंड ईयरफोन्स आते हैं एंड और क्या है, बोट हेड स्टिकर डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ दैट्स व्हाट कम्स। साथ में आपको USB टाइप सी टू टाइप ए केबल मिलती है चार्जिंग के लिए, सो टाइप सी है। एंड यस यू ऑल्सो हैव दीज एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, मतलब बड़े छोटे स्मॉल मीडियम एंड लार्ज, सो अकॉर्डिंग टू योर ईयर साइज आप फिट कर पाओगे। बट लेट्स लुक एट दिस, ये सब रखते हैं साइड में। वैसे दोस्तों ये रेड वाले भी देखते हैं, रियली लुक नाइस। आप दोनों के पास देखो, दिस ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन लुक्स गुड एंड दिस सिल्वर लाइट ग्रे एंड दिस काइंड ऑफ नियॉन ग्रीन, दे रियली लुक नाइस, मतलब स्टैंड आउट डेफिनेटली होंगे। वैसे दोस्तों अगर मैं डिफरेंस के बारे में बात करूं तो इसमें 333 में आपको ब्रेडेड केबल मिलती है और इसमें नॉर्मल केबल है। एट द सेम टाइम और एक डिफरेंस है स्लाइटली, अगर इधर देखोगे दिस इज ट्रांसपेरेंट, अंदर की कुछ चीजें दिखती है, सो नॉट बैड। वैसे इसमें तीन कलर्स आते हैं, दो कलर्स तो आप देख रहे हो, ये है गन मेटल ब्लैक, ये है फंकी ग्रे एंड ओशनिक ब्लू भी आते हैं। दोस्तों नेक बैंड ईयरफोन्स के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप रेगुलरली ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हो तो मतलब दिन में आप 6-8 घंटे 10 घंटे माइक्रोफोन्स पे होते हो, देन TWS से भी ज्यादा मैं आपको नेक बैंड ईयरफोन्स रिकमेंड करूंगा, क्योंकि जब नहीं चाहिए आप उसे निकाल पाओगे एंड दे विल से। TWS के साथ गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग TWS आर बैड, बट अगर रेगुलरली और ज्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हो तो दे हैव टेंडेंसी टू फॉल। ऐसे दिन भर भी आपके गले में अगर ये होंगे, ओ वेरी नाइस फिट, लुक एट दोज, इसकी जो फिट है दोस्तों सीरियसली अच्छी, वन ऑफ द बेटर वंस आई हैव सीन, और ज्यादा हेवी भी नहीं है। वैसे वेट करते हैं इसका, मैं गेस नहीं करने वाला हूं क्योंकि आई एम नॉट श्योर, बट शुड नॉट बी मोर देन 35-40 grams, पता नहीं यार, आई मीन हो भी सकते हैं, लेट्स सी, 35.5 grams, fantastic, so lightweight है। वैसे दोस्तों क्विकली आपको पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लूं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बोट की ब्रांडिंग आती है, राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन मिलता है एंड देन यू हैव वॉल्यूम प्लस एंड माइनस, एंड ये जो बटन है दोस्तों दिस इज राउंड वाला, दिस इज फॉर ANC ऑन एंड ऑफ। यस इसमें 25 dB तक के ANCs आते हैं एंड याद रखिए 1500 km। नीचे की तरफ भी एक पोर्ट आता है, दैट इज ऑब्वियसली USB टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। वैसे वॉल्यूम रॉकर में जो बीच में आपको दिख रहा है दोस्तों, दैट इज मल्टी फंक्शनल, मतलब लॉन्ग प्रेस वगैरह करके आपको पॉज करना है, नेक्स्ट करना है, वो सब चीजें आप इधर से कर पाओगे। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ANC भी आते हैं, प्राइस भी अच्छी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साउंड, और उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों। जनरली 1000-1500 इस प्राइस रेंज में जो आते हैं, यू नो दे आर एवरेज, एंड बोट के बहुत सारे इस प्राइस रेंज में आते हैं, दे आर डिसेंट, लेकिन बोट रॉकर्स 330 एंड 333 के साथ कुछ डिफरेंट करने की उन्होंने कोशिश की है। इसमें डिराक ऑप्टियो नाम का एक टेक आता है। अब ये टेक क्या करता है वो बता दूं, जो 1000-1500 के ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं उनके फोन्स मिड रेंज के बजट रेंज के ही होते हैं, और जो ऑडियो क्वालिटी है इट आल्सो डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन योर ईयरफोन्स लेकिन आपका जो फोन है उसके ऊपर भी। अगर फ्लैगशिप का आप यूज करोगे एंड सेम ईयरफोन्स बजट के साथ इस्तेमाल करोगे तो डिफरेंट साउंड आएगा, जी हां फ्लैगशिप विल गिव बेटर साउंड। तो बजट रेंज में अगर आप इन्हें इस्तेमाल करते हो फिर भी आपको हाई क्वालिटी का साउंड मिलने वाला है विद दिस डिराक ऑप्टियो, इट्स वेरी सिमिलर टू डॉल्बी, बेसिकली ऑडियो एल्गोरिथम्स वगैरह हैं एंड ऑप्टिमाइजेशंस है जिसकी वजह से हाई क्वालिटी HD साउंड आपको मिलता है। लेट्स हियर इट एक्चुअल में, देखते हैं कैसे है विद ANC विदाउट ANC। वैसे दोस्तों आपको बता दूं पेयर करना होगा तो ये जो बीच वाला बटन है वो पेयरिंग के लिए, लॉन्ग प्रेस अगर आप करते हो देन इट गोज इनटू पेयरिंग मोड, कैन यू सी हियर, ये अभी पेयरिंग मोड में चला गया है, ब्लू एंड ऑरेंज लाइट,
Rockers 333 ANC. Oh, very nice. Allow access to your contacts. Pair. Nice. Paired. Rockers 330 ANC. Paired. Okay. ऑल राइट मैंने अलग अलग काइंड कैटेगरीज के सॉन्ग सुने, थोड़े क्लासिकल सुने, इलेक्ट्रॉनिक सुना, उसके बाद में पॉप वगैरह भी सुन रहा था. एंड आई टेल यू व्हाट, जो डायरेक्ट साउंड है ना, डेफिनेटली क्वालिटी जो है इज मच बेटर. हाँ, अगेन बेस हैवी लगते हैं, स्पेशली दो साउंड मोड्स आते हैं इसमें, एक तो क्रिस्टल क्लियर है और नॉर्मल जो साउंड सिग्नेचर है, नॉर्मल बोर्ड की जो साउंड सिग्नेचर है, दैट इज बेस हैवी. लेकिन अगर आप क्लासिकल ज्यादा सुनते हो एंड मिड्स आपको ज्यादा चाहिए, तो आप वो क्रिस्टल बायोनिक साउंड जो बोर्ड कहता है उसे, वो इस्तेमाल कर सकते हो. तो मिड्स जो है, वोकल्स वगैरह जो है, ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. और बहुत ईजी है दोस्तों, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन के बीच में जो एक मल्टी फंक्शन बटन है, दो बार प्रेस कीजिए एंड द साउंड सिग्नेचर शिफ्ट्स. साथ में ANC 25 dB का ANC है, एंड इफ यू प्रेस दैट ANC बटन ऑन एंड ऑफ, तो पता चलता है कि देयर इज अ डिफरेंस. ANC में बाहर का आवाज कम आता है. तो अगर आप ये इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे एंबिएंट साउंड बहुत ज्यादा है, लोकल में, ट्रेन में वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, स्विच ऑन दैट ANC एंड यू विल मेक आउट द डिफरेंस. उतना ही नहीं, उससे भी ज्यादा मैं एक चीज कहूं, जो इनका फिट है उसकी वजह से बाहर का जो साउंड भी आता है वो बहुत कम आता है. सो दैट फिट इज रियली गुड. तो मैं कहूंगा जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन है वो भी अच्छा है, और ये फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है. जी हाँ, आप जल्दी में हो, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट्स चार्ज कीजिए, 5 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलेगा. वैसे जो पूरी बैटरी है, अगर आपने 100% चार्ज की है, तो आपको 24 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा विदाउट ANC. विद ANC इट इज 20 आवर्स. कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.2 आता है, तो पेयर करने में भी जैसे आपने देखा बहुत जल्दी पेयर हो जाता है, इट्स फास्ट. वैसे आप रेनी सीजन चल रहा है, अगर आप आउटडोर्स इस्तेमाल करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम. आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि IPX4 का सर्टिफिकेशन आता है. वैसे ये जो मल्टी फंक्शन बटन है, उधर से आप जो आपका गूगल असिस्टेंट या सीरी वगैरह होगा वो भी आप ट्रिगर कर पाओगे. जी हाँ, सेम दैट मल्टी फंक्शन बटन, लॉन्ग प्रेस कीजिए एंड विल गेट एक्टिवेटेड. वैसे दोस्तों ऑडियो के समय एक चीज बताना भूल गया, 13 mm के बड़े ड्राइवर्स आते हैं, सो यू गेट दैट गुड साउंड. डेफिनेटली इसकी जो नॉर्मल बोट की साउंड सिग्नेचर है वो थोड़ी बेस हैवी है, विच इंडियंस जनरली लाइक. वैसे दोस्तों इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली लुक एट दिस. Amazon एंड बोट के खुद के वेबसाइट पे लिंक्स दे रहा हूँ नीचे, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हो. तो दोस्तों इस प्राइस रेंज में जनरली आपको ये सब जो फीचर्स है, डायरेक्ट ऑप्टियो जो उनका खुद का फीचर आया हुआ है, या फिर क्रिस्टल बायोनिक साउंड, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर लिसनिंग, उस हिसाब से आपको चेंज करना है. तो ये सब जो फीचर्स होते हैं, जनरली ऐसे फीचर्स थोड़े महंगे ईयरफोन्स में दिखते हैं. और हाँ, बोट इसे कहता है दिस इज फ्यूचर ऑफ ऑडियो, बट आई थिंक बोट इज ट्राइंग टू डेमोक्रेटाइज इट, कि भाई 1500 के जो ईयरफोन्स वगैरह उनमें भी ये सब फीचर्स ला रहे हैं. सो फॉर दैट डेफिनेटली अ थम्स अप. तो फाइनली दोस्तों, इफ आपका बजट 1400-1500 रुपीज का है, अच्छे नेक बैंड ईयरफोन्स वगैरह आपको चाहिए, डेफिनेटली आई विल से यू शुड लुक एट देम सीरियसली. दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.